हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में लेजेंड टेक। दोस्तों, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबाइए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी जीमेल अकाउंट रीसेट कर सकते हैं। फुल ट्यूटोरियल है, इसमें दो स्टेप्स होंगे, मतलब यानी दो हिस्से होंगे। मतलब जैसे आप एक हो रहा है कि फॉरगेट ईमेल और फॉरगेट पासवर्ड, तो पहले हम फॉरगेट ईमेल करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद फॉरगेट पासवर्ड का भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सिंपली जाना है, जीमेल लिखना है gmail.com। इसमें लिखने के बाद जो आपने अपनी आईडी, मतलब उसका पासवर्ड या जीमेल, ओ सॉरी ईमेल पता नहीं है तो वो आपने आईडी चूज़ कर देनी है, मेरी ये वाली, सॉरी। तो मेरे को अपनी ईमेल नहीं पता, पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ पता है, तो अब मैंने फॉरगेट कर देना है ईमेल को। ईमेल जो आपने, जब आपने ये वाला अकाउंट बनाया था आपने, तो आपने मेरे हिसाब से रिकवरी ईमेल तो डाली ही होगी। जो आपने रिकवरी ईमेल डाली थी या फ़ोन नंबर डाला था, आपने उसको यहाँ पे लिख देना है इस बार पे। मैंने ईमेल डाली थी, मैं ईमेल लिखूँगा। तो मैं सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो आपने लिखने के बाद एंटर कर देना था, और जो आपके इस आईडी का नाम है, इस आईडी का जो आपकी अभी ये वाली, जिसकी आपको ईमेल नहीं पता, उस ईमेल के नाम लिखना है। मेरा फर्स्ट नेम, इस आईडी का फर्स्ट नेम था म्यूज़िक लवर। जो आपने अपनी आईडी फॉरगेट की थी उसका नाम लिखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा अपने इस अकाउंट पे, ये वाला अकाउंट पे आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। तो आपने सेंड के बटन को दबा देना है। सेंड के बटन को दबाने के बाद ये एंटर कोड मांग रहा है, तो आपने सिंपली जो आपने ये वाला अकाउंट दिया है आपने इसको खोल देना है। जैसे मैं खोल रहा हूँ अभी, मेरा खुला हुआ था पहले से ही, इसलिए डायरेक्ट खुल गया है। तो अदर कन्वर्सेशन, जी हाँ दोस्तों, मेरे पास आ गया है अपना कोड। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये वाला अपना कोड है, मैंने इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद यहाँ जीमेल में एंटर कोड के पास पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन को दबा देना है। तो चूज़ एन अकाउंट, ये वाला हमारा अकाउंट है तो हमने इसको चूज़ कर देना है। चूज़ करने के बाद ये हमारा, मैंने पासवर्ड सेव किया हुआ था, और अभी ये वाला हमें अपनी, देखें मुझे अपनी ईमेल पता नहीं थी, तो मैंने देखें ईमेल अपनी पता करवा ली। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये मैंने अपनी ईमेल पता करवा ली, ठीक है। और हमारा दूसरा जो है स्टेप, यानी हमने जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो मैंने लेफ्ट हैंड का काम कर दिया है, अभी राइट हैंड का काम बाकी है। तो दोस्तों, मेरा राइट हैंड का काम है फॉरगेट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है, सॉरी फॉरगेट पासवर्ड, क्योंकि मैं रात को वीडियो शूट करता हूँ तो मेरा दिमाग नहीं चलता, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो आपने अपना लास्ट पासवर्ड जो आपने तकरीबन चेंज किया होगा या नहीं, तो दोस्तों आपने अपना लास्ट पासवर्ड, या आपने लास्ट पासवर्ड नहीं चेंज किया अपना पासवर्ड, तो इसको दबा देंगे ट्राई एन अदर वे। तो मैंने ये बनाया था अगस्त में 2018 में। नेक्स्ट करने कर देना है।
दैट कैन नॉट बी इन फ्यूचर ट्राई अगेन. सॉरी दोस्तों, मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है. ये देखिए, ये मेरा पास, ये मेरी ईमेल आ गई है जो मेरी रिकवरी ईमेल है. तो मैंने यहाँ पे जो ये डॉट्स हैं, हमने इन्हों को शो करना है इस ईमेल में. अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे आराम से. अपनी रिकवरी ईमेल यहाँ पे डाल दें. डालने के बाद आपने इसको सेंड को दबा देना है. सेंड को दबाने के बाद आप अपने यहाँ एंटर द कोड देखा और आपको ये कोड यहाँ पे मिलेगा इस अकाउंट पे, मतलब एग्जैक्टली वही अकाउंट जिसमें हमने अपनी ईमेल रिकवरी की थी. तो हम पासवर्ड ये देखें, अभी आ गया 450 पे. तो ये मैंने इसको कॉपी कर देना है. कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट पे डाल देना है. तो पेस्ट के बाद हमने नेक्स्ट करो दबा देना है. नेक्स्ट को दबाने के बाद ये बोल रहा है अकाउंट रिकवर, यू हैव बीन कनेक्टेड विद अ सपोर्ट स्पेशलिस्ट, यू विल गेट एन अपडेट एट दिस ईमेल यूजुअली विद इन 3-5 बिजनेस डेज. Check your spam folder in case it goes there. You can check the status of your request any time. तो ये दोस्तों, इसमें आप इसमें मतलब है, इस स्टेटस का मतलब है, यानी आपको ये इस ईमेल पे स्पैम जो होता है फोल्डर, स्पैम या जंग ईमेल में आपको ये मिल जाएगा. जंग ईमेल या स्पैम में आपको ये मिल जाएगा. तो दोस्तों, ये आपको ये मिल जाएगा तकरीबन 3 या 5 काम वाले दिनों में. और आप इसको इसकी माना है चेक योर स्पैम, जो स्पैम में आ जाएंगे. तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो. और आज की वीडियो मुझे मेरे हिसाब से तो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा. तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगरेबान, और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद.